हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द पॉपुलैरिटी ऑफ ग्राफिक्स। जो भी ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स की क्या पॉपुलैरिटी है और ग्राफिक्स के आने से हमें किन किन चीज़ों में हेल्प मिलती है, यानी रियल टाइम में अगर हम बात करें तो ग्राफिक्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस PDF को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें पॉपुलैरिटी ऑफ ग्राफिक्स, तो जो ग्राफिक्स है उसकी पॉपुलैरिटी जो है दिन बाय दिन, या फिर कह सकते हैं हर समय बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स का यूज़ हम आज की डेट में लगभग हर एक फील्ड में करते हैं। इसका एक वाइड स्पेस है जहाँ पे हम इसका एडॉप्शन एंड अपील करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विजुअल अपील, ठीक है, तो जो ग्राफिक्स होता है उसका यूज हम विजुअल अपील के लिए करते हैं। जैसे ग्राफिक्स क्या करता है, ऐड करता है विजुअल अपील टू वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया एंड मेकिंग देम मोर एंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव टू यूजर। हम क्या करते हैं विजुअल के हेल्प से, जैसे विजुअल की अगर हेल्प बात करें, हमें किसी भी चीज को समझाना होता है तो हम क्या करते हैं कि विजुअल लेके आते हैं, या फिर कह सकते हैं वीडियोस का यूज करते हैं, इमेज का यूज करते हैं। अब वीडियो और इमेज के अंदर क्या होता है, ग्राफिक्स होता है। ग्राफिक्स के अंदर मतलब कोई एनिमेशन होता है, कार्टून होता है, ये सारी चीजें होती है। तो उस ग्राफिक्स से हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी विजुअल चीजें होती हैं हम यूजर्स को दिखाते हैं और समझाते हैं। तो उससे क्या होता है कि चीज़ें आसानी से समझ में आती है, वेरियस तरह के फॉर्म्स आते हैं, मीडिया होती है, जिससे यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर पाता है हमारे सॉफ्टवेयर सर्विस या फिर प्रोडक्ट के साथ और अट्रैक्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इजी टू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, जो भी हमारा विजुअल होता है रिप्रेजेंटेशन करता है ऑफ ऑप्टन सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। जब हम क्या करते हैं ग्राफिक्स के हेल्प से क्या करते हैं, जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और एक इजी वे में अपनी ऑडियंस के साथ डिलीवर करने का काम करते हैं, ठीक है, मेकिंग इट इजीएस्ट फॉर पीपल, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है वो लोगों के लिए आसान बनाता है और उनके सामने रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो जो भी ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफिक्स आपने सुना होगा ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक का ज्यादा यूज हो रहा है, ग्राफिक्स कार्ड, इन सारी चीजों के बारे में आपने सुना। तो ग्राफिक्स होता क्या है, ग्राफिक्स यही होता है कि जो भी विजुअल अपीयरिंग होता है वेरियस, मतलब जो भी चीजें हम विजुअली देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होता है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को, अब कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है तो उसको हम क्या करेंगे ग्राफिक्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे इन इजी वे में, जिससे वो यूजर्स को, एक ह्यूमन को आसानी से समझ में आ जाती है। अब अगर हम बात करें जो ग्राफिक्स होती है, ग्राफिक्स क्या करता है कि एनहेंस करता है कॉम्युनिकेशन को, किसके कॉम्युनिकेशन को, एक कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन को एनहेंस करने का काम करता है। तो ग्राफिक्स फैसिलिएट करता है, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन होता है, क्विकली कर देता है, ठीक है, मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है जल्दी से दे देती है। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें, अगर आपको इस कंटेंट को पढ़ना होता है इन द कहते हैं बुक के हेल्प से, ठीक है, अब बुक में चीजें कुछ होती है डायग्राम से ज्यादा समझ में आती है। डायग्राम क्या है, एक तरह का ग्राफिक्स है, उसमें जितने भी कलर्स, ये सारी चीजें, टाइपोग्राफी, सारी चीजें यूज हुई हैं, तो ग्राफिक्स का पार्ट है, जिससे हम क्या करते हैं वो जो भी फिगर्स होता है, डायग्राम होता है, हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाता है। तो उससे हम क्या करते हैं कि अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लेते हैं, जो भी आदमी या फिर जो भी व्यक्ति सामने से जो भी बात कहना चाहता है वो ग्राफिक्स के जरिए बहुत ही आसानी से डिलीवर कर पाता है। अब अगर हम बात करें, ग्राफिक्स का यूज़ हम एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए भी कर रहे हैं। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, सर्विस बनाई, या फिर हमारा कोई सॉफ्टवेयर है हम मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, प्ले करते हैं ए वाइटल रोल इन द एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है, कैप्चर करते हैं अटेंशन एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस। हमारी जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, हम उसको क्या करते हैं, जो भी हमारी ऑडियंस है उनके बीच में हम क्या करते हैं उनको लाते हैं ग्राफिक्स के हेल्प से, जिससे क्या होता है कि हम आसानी से अपनी मार्केटिंग को कर पाते हैं, जिससे जो भी यूज़र होता है आसानी से हमारी सर्विस को, हमारे प्रोडक्ट को, या फिर हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को समझ पाता है कि एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। तो जो ग्राफिक्स होता है उसका यूज सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट और मीडिया में होता है। आजकल की जो भी मूवीज हो गई, ठीक है, आजकल क्या ग्राफिक्स बेस्ड
मूवीज बन रही, बहुत ज्यादा ग्राफिक्स का यूज हो रहा है, वीएफएक्स का यूज हो रहा है, तो वहां पे क्या करते हैं कि इंटरटेनमेंट और मीडिया के फील्ड में भी ग्राफिक्स का यूज हो रहा है। तो जो भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक्स का यूज कर रही है, जैसे वीडियो गेम हो गया, मूवीज हो गया, एनिमेशन हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, प्रोवाइडिंग जो जितने भी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सारी किसके हेल्प से कर रही है, जो भी ग्राफिक्स है उसके हेल्प से। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे कह रहा है कि यूजर इंटरफेस डिजाइन। अब यूजर इंटरफेस डिजाइन तो ग्राफिक्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, एक यूजर इंटरफेस की डिजाइन को भी करते हैं, जैसे जिससे क्या होता है कि एक ह्यूमन एक कंप्यूटर डिवाइस से इजिली कनेक्ट हो पाए। ठीक है, जो भी ग्राफिक्स होता है सेंट्रल होता है, एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन जो भी क्रिएटिविटी है, ठीक है, विजुअलाइजिंग अपीयरिंग यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस हो गया फॉर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ग्राफिक्स का यूज करते हैं। अरे भाई हमें एप्लीकेशन बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ग्राफिक्स का यूज करते हैं, जिससे जो भी हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है यूजर फ्रेंडली हो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर पाए। अब आगे बात आती है सोशल मीडिया एंड कंटेंट शेयरिंग। अब भैया सोशल मीडिया आप इंस्टाग्राम फेसबुक का यूज करते होंगे, यूट्यूब हो गया उसका यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी हमारा कंटेंट होता है सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं कंटेंट को शेयर करने के लिए ग्राफिक्स का यूज करते हैं। ग्राफिक्स जो भी हमारा पोस्टर हो गया, लोगोस हो गया, ठीक है, हम किसी भी कंपनी का पोस्टर या फिर कह सकते हैं हायरिंग इंफॉर्मेशन निकली हो, कोई सेलिब्रेशन हो गया, इन सारी चीजों को शो करने के लिए हम क्या करते हैं ग्राफिक्स का यूज करते हैं। ग्राफिक्स आर वाइडली शेयर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ग्राफिक्स सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्ट किया जाता है, कंट्रीब्यूट टू द वाइटल स्प्रेड ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट, तो जो भी कंटेंट होता है इंफॉर्मेशन होता है उसको ऑडियंस के सामने लाने के लिए हम ग्राफिक्स का यूज करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन की बात कर लें तो जो भी ग्राफिक्स होता है डेटा विजुअलाइजेशन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंटल होता है रिप्रेजेंट द डेटा विजुअली, जितने भी अब जैसे क्या होता है कि डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब हो गया कि डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ग्राफिक्स इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, जितने भी बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं बहुत बड़ा बड़ा डेटा सेट है, उस बड़े बड़े डेटा सेट को आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें आसानी से एक्सेसिबल हो, यानी हम आसानी से उसका एक्सेस कर पाए और हमारे लिए आसानी से हम क्या करें उसको अंडरस्टैंड कर पाए समझ सकें, तो डेटा विजुअलाइजेशन में भी ग्राफिक्स का यूज होता है। आर्ट एंड क्रिएटिविटी में भी जो भी ग्राफिक्स होता है यूज होता है, जैसे जो हमारे आर्टिस्ट है डिजाइनर है वो क्या करते हैं ग्राफिक्स के हेल्प से अपनी जो भी उनकी क्रिएटिविटी है इमेजिनेशन पावर है उसको क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है उनको एक मीडियम। ठीक है, तो कह रहा है कि जो भी आर्ट और क्रिएटिविटी में, तो वहां पे क्या कह रहा है कि जो भी हमारे ग्राफिक्स होता है ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है एक मीडियम फॉर आर्टिस्ट एंड डिजाइनर टू एक्सप्रेस दियर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो ग्राफिक्स क्या करता है प्रोवाइड करता है एक तरह का ऐसा मीडियम जहां पे एक आर्टिस्ट डिजाइनर अपनी आइडियाज को शेयर करने के लिए ग्राफिक्स का यूज करते हैं। अब एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी है नई नई टेक्नोलॉजी डेली आ रही है, तो उसमें एडवांसमेंट करने के लिए एडवांस चीजों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। एडवांसमेंट इन ग्राफिक डिजाइन, तो वहां पे क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हैव मेड इट इजीली फॉर पीपल एंड क्रिएट द शेयर ग्राफिक्स, तो हम क्या करते हैं पीपल के साथ ग्राफिक्स शेयर करते हैं और आसानी से किस तरह से यूजर इंटरेक्ट कर पाता है। आगे अगर हम बात करें ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी की बात करें, द इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म हैड मेड ग्राफिक्स एक्सेसिबल एंड वर्ल्ड वाइड अलाइन टू द बॉर्डर एंड द एक्सपोज एंड द इम्पैक्ट, तो जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है तो इंटरनेट पे जितनी भी चीजें हमको देखने को मिलती है डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, ये सारी चीजें किससे मिलकर बनी ग्राफिक्स से, क्योंकि ग्राफिक्स क्या करता है हमें चीजों को सोचने के लिए या फिर कह सकते हैं हमारे दिमाग में एक विजुअल सेट करता है, तो ये हो गया ग्राफिक्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ग्राफिक्स क्या होता है, ठीक है, ग्राफिक का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। सो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।